हाय गाइस, पहले तो मुद गया तो ब्रश ब्रश वो सब पेस वेस धुलाएगा और दीदी का बेटा वो अभी थोड़ा देखते क्या सो रहा है ना क्या है। तो चलिए फिलहाल तो पास का जाएगा आज को हम, और मैं दीदी मैगी वो बना ले रहा है, उसका बेटा को मिलने जाएगा, देखते अय्या इतना क्यूटी होके सो रहा है, थोड़ा सोने दो कोई बात नहीं। दीदी का पेटा भी हम भी जाएगा बोल के पहुँचाने जाएगा हमको बोल रहा था, हमको पहुँचाएगा बोल के वो भी, तो ठीक है ज़्यादा क्षमता था करेगा क्या क्या बोल रहा था। फिलहाल सो के बेटा, और अभी टाइम भी इतना नहीं है, टाइम जो 7 बज के पार हो गया, यहाँ से 9:30 समथिंग में निकलेगा, तो नहीं था ओ अब तो वो दिखाएगा, देखिए आप लोग अच्छे से देखिए। गाइस इसको मेरा दीदी बनाया जो मैगी बना रहा है, मेरा बड़ा दीदी, सबसे बड़ा दीदी, और ये भी बनाया देखिए। और उस दिन एक हम लोग बस्ती का दीदी का घर में भी वो चिंचन और सेरू का बना दिया था तो उसको गिफ्ट किया था, तो यह पेपे से बना के रखा ये भी है। और ये दीदी का बच्चा का पेंटिंग ये सब दीदी ने मैगी खा लो बोला, खा लेते फिलहाल। दीदी का बेटा भी पेस साफ कर रहे, जो पेस धोया था बस पेस में थोड़ा पानी आया था तो उसको सफा कर रहे। यहाँ से करेंगे क्या? हाँ इधर इधर देखो, बढ़िया कर रहे हैं। अय्या बहुत क्यूट है। तो इसको पार दे देता हूँ, इसको भी ये क्यूट है लेकिन बहुत बढ़िया। अय्या ओ ये हम उस दिन चिल्ला रहा था ना टाटा थैंक यू दीदी दे तो आगे दीदी जगह दे पता तो फिलहाल पासीघाट की ओर अभी जाएगा। फिलहाल तो इलिका वाली है, देखिए जो फेमस नहीं है उसको भी मैं आप लोग दिखा रहा है, दिखाएगा बोला था तो इसीलिए ये सब फेमस तो नहीं है पर भी बहुत सुंदर है जगह लोकेशन। ये तो बहुत सुंदर है, निपुला गांव में ये तो फेमस है। ये रास्ता इतना फेमस नहीं है पर भी अभी हम दिखा रहे फिलहाल तो जा रहा है लिकावली से सीखा जाएगा, बट दीदी हमको वहाँ पे ही पहुँचाएगा आधा में, वहाँ से हम बस पकड़ के आ जाएगा वापस अपनी जगह यानी कि पासीघाट की ओर। फिलहाल आपको एक चीज़ बताना चाहेगा, ये घर नहीं यहाँ ये सब देख रहा होगा दाव बनाते हैं हमें, और इतना दाम नहीं सस्ता में मिल जाता है बोलते मेरा मोरू मामू ने मुझे बताया। उधर से लिकावली से टेम्पो पकड़ के आते हैं, वो जो लिकावली टू ये सिलापोटर 7 किलोमीटर बोले भैया जो टेम्पो ड्राइवर था, और फिर यहाँ से आप लोग रिक्शा पकड़ेगा तो स्टेशन करेगा और वो आपको बस स्टेशन में पहुँचा देगा। और ये एक आंटी है मेरे साथ देख रहे ना, ना।
मेरे सू बैग आंटी यहाँ में देखिए स्वामी भी आया है स्वामी भी आया खाना खाने सॉरी पराठा वगैरह खाने आया था और ये वो दुकान का दीदी और आप लोग यहाँ में कुछ ये बस स्टेशन सामने है खाना हो तो यहाँ में आके खाइए यहाँ में बहुत प्रकार का मिल जाएगा आपको खाना वगैरह या जो भी ना वो सब मिल जाएगा आपको। आपका नाम? मेरा नाम ये मंजू ना। ये दीदी का नाम मंजू है तो जम जाएगा ठीक है। हैंडसम लग रहा है देख आपको। हाँ सही में हाँ अच्छा लग रहा है ठीक हाँ ठीक है बहुत अच्छा। हाँ 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 बहुत हीरो जैसा लग रहा है आपको। हाँ रो रो एपीएसटी बस पासीघाट की ओर जाते हुए असम हाईवे और यहाँ पे बहुत ही तेरे लंबा लंबा करके बहुत ही सुंदर दिख रहा है। गाइस ये फॉरेस्ट में कल हाथी निकला था बोले मेरा मम्मी जो जंगली हाथी गाड़ी को जाने नहीं दे रहा था बोले गाड़ी को तो हमको अलर्ट करा दिया उसने मम्मी ने। ये ओयन नीचे और रुक्सिन ऊपर के बीच का रास्ता में ये फॉरेस्ट जंगल में फिलहाल पहुँच गए। वेलकम टू पासीघाट में 158 में पहुँच गए। फिलहाल तो वहाँ पे सामान नमा रहा है बहुत गर्म हो गया इसीलिए गाड़ी जाने तो ठीक है बट गाड़ी नहीं जाने से बहुत गर्म होता है इसीलिए।